आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। इस वक्त अमित शाह की वर्चुअल रैली चल रही है और पूरे बिहार भर में प्रदेश के हर एक ज़िला में जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस रैली को लगातार सुना जा रहा है डिजिटल माध्यम के द्वारा और वर्चुअल तरीके से ये रैली संबोधित की जा रही है। इस वक्त पूर्णिया के भाजपा कार्यालय में हम मौजूद हैं और हमारे पीछे अंदर अमित शाह की रैली लाइव चल रही है। तकरीबन सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस पूरे वर्चुअल रैली की एक एक बातों को सुन रहे हैं, अमित शाह के संबोधन को सुन रहे हैं। और हमने बात की है जिला अध्यक्ष राकेश कुमार से, उन्होंने भी बताया कि आज इस भारतवर्ष में पहली बार डिजिटल इंडिया का जो एक प्लान तैयार था उस प्लान के तहत आज पहली बार कोई वर्चुअल रैली हो रही है और ज़िले भर से तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग इस रैली को सुन रहे हैं इस डिजिटल माध्यम से, कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से, बड़े स्क्रीन के माध्यम से ये जो वर्चुअल रैली है अमित शाह की आज सुन रहे हैं। वहीं इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ लोग मान रहे हैं कि इस वक्त इस रैली की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन जो वर्चुअल रैली की अमित शाह की बात थी वो इस वक्त लाइव चल रहा है पूर्णिया के भाजपा कार्यालय से। बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान संजय जायसवाल जी, बिहार के श्रीमान सुशील मोदी जी, बिहार के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, पुलिसकर्मी और जो अपनी अपनी जगह पर सेवा का भेद लेकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं मन से सलाम करकर उनके समर्पण और सेवा को एक्नोलेज करना चाहता हूँ। तो मैं बिहार की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि यही बिहार की जनता है जिसने 2014 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश लिया और 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश देकर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह की वर्चुअल रैली को पूर्णिया के 3 लाख कार्यकर्ताओं ने सुना। भगवा में हुआ भाजपा का कार्यालय, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अमित शाह के संबोधन को सुना। पूर्णिया के भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि पहली बार डिजिटल इंडिया के तहत इतनी बड़ी रैली आयोजित हुई है, जिला भर में लोग डिजिटल माध्यम से इस रैली को सुन रहे हैं। जिले भर से करीब 3 लाख लोग इस रैली में अमित शाह के भाषण को सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय इतिहास में पहली बार हम लोग डिजिटल इंडिया से जुड़ करके सबसे पहले पूरे बिहार में कोरोना हमारी रैली हो रही है, पहली चुनावी रैली हो रही है। जिन लोगों ने माननीय देश और विश्व में अपनी जान गंवाई है, अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, परिवार संबोधित कर मैं संवेदना पूरे करता हूँ और ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। विभिन्न माध्यमों से जान ले सोशल मीडिया के द्वारा, वो सभी द्वारा अपने शरण में ले द्वारा और चीर शांति के द्वारा उनको प्रदान लगभग जिले में 3 लाख जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं निचले स्तर से लेकर सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप जल्दी जंग लड़कर वापिस आइए और आत्मनिर्भर भारत की लड़ाई के अंदर जुड़कर विश्व के अंदर भारत को स्थापित करने का प्रयास बहुत बड़ी सफलता की तरफ और वो करोड़ों